SOPs कब तक रहेंगे लाइफ? मौत तक है तयातिकल यकीन। और वो कब कब ब्रेक हो सकते हैं? देखिए ना, पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर जिंदगी में कोई विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई मकाम की तलाश नहीं है, गुलामी कबूल की हुई है और दिल फौत हो चुका हुआ है, जिंदगी का किसी किस्म का इर्तिका कबूल ही नहीं करना, तहसीन और तजमील और तकमील का सफर ही नहीं करना, जंगे ही नहीं लेनी, जिंदगी में अपनी आप को बेहतर बनाने की जुस्तजू नहीं करनी, जिंदगी में पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए सफर नहीं करना, लीप ऑफ फेथ लेना ही नहीं है, इस्लाह नहीं करनी, अमर बिल मारूफ नहीं करना, नहीं अनिल मुनकर नहीं करना, बिगड़ी हुई चीज को बेहतर नहीं करना, बेहतर चीज को मजीद आसन नहीं करना, मल इस्लाम से मल ईमान और वमल ईमान से वमल एहसान के सफर के दर्जे पे चलना नहीं है, मादूम से नॉन एग्जिस्टेंस से क्वांटिटेटिव स्ट्रगल और क्वांटिटेटिव स्ट्रगल से क्वालिटेटिव स्ट्रगल में अगर नहीं जाना, ठीक है, अगर इस दायरे के साथ जिंदगी का फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ, कर ले आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का कुआं इजाजत देता है आपको कि आप ये कर सकते हैं, आपके लाइफ के स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको अलाउ करते हैं आप कर सकते हैं ये। जब कुआं छोटा होगा तो जिम्मेदारियां छोटी, जब कुआं छोटा होगा तो दुश्मन छोटे और दुश्मन कम, जब कुआं छोटा होगा तो थ्रेट फैक्टर कम, जब कुआं छोटा होगा तो स्ट्रेंथ बनाने की बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जब कुआं मुकैद होगा अपनी जात बरादरी अपने लोग और अपने वो चाय के ढाबों पर बैठ के चार और वही स्कोप है और वही करना है, कुआं छोटा है, अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़नी है और सुन्नतें नहीं बढ़ानी आपने और नवाफिल नहीं बढ़ाने आपने और जिक्र अस्कार नहीं बढ़ाने आपने और कुरान के हिफ्ज़ को बढ़ाना नहीं आपने और इल्म को हासिल नहीं करना, उसूल फिका पढ़नी नहीं है, उसूल हदीस पढ़नी नहीं है, अकीदा पढ़ना नहीं है, नाफ सर पढ़नी नहीं है, बलागत अरबी ग्रामर पढ़नी नहीं है, उसके बाद आपने उसूल इस्तंबात और उसूल इस्तदलाल और उसूल दीन और तफासिर आपने पढ़नी नहीं है, कुआं छोटा है आपका, कर सकते हैं। जब कुआं छोटा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी हंटिंग ही कुछ नहीं है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की कोई चीज नहीं, जब कुआं छोटा है आपका तो आपकी जो है लिमिटेशंस की लिमिटेशंस टास्क ऑप्टिमाइजेशन कस्टमाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप करें फिर आपने जो करना है, क्योंकि कुआं छोटा है ना, जब आपका कुआं बड़ा है, रिश्तेदारियां बड़ी हैं, ताल्लुकात देखने हैं, सोशल सर्कलिंग आपकी बड़ी है, नेटवर्किंग आपकी बड़ी है, सल्तनत बड़ी है, आपने चीजें संभालनी है, आपका विजन जो है वो आपकी जात से बड़ा है, आपकी जात आपके विजन से बड़ी नहीं है, कर सकते हैं आप, कब मना, अगर जात बड़ी है और विजन छोटा है और कुआं छोटा है, कर ले छोड़ दे, जाए जाया कर ले अपने आप को, लेकिन जिस दिन फिर अगर अकल के नाखून आए ना, रोना नहीं, फिर रोना नहीं कि वो आगे निकल गया, रोना नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, रोना नहीं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, रोना नहीं कि जिस्म साथ नहीं दे रहा, रोना नहीं कि टीम मैनेजमेंट हो नहीं पाई, रोना नहीं कि वक्त निकल गया, रोना नहीं कि कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं सीखी, ड्राफ्टिंग नहीं सीखी, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सीखे, रोना नहीं कि लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल नहीं किया, पीपल्स मैनेजमेंट नहीं समझी, पॉलिटिक्स नहीं समझी, सियासत नहीं समझी, खैर शर का मुवाजना नहीं समझा, लोगों के वार के करने के तरीके नहीं समझे, मुनाफकतें नहीं समझी, अपॉर्चुनिटी के साथ रेजिलियंस और परसिवियरेंस और पेशेंस का कितना मामला होता है, किस तरह हंट करके किस तरह फिर गार्ड डाउन कर देना, फिर एंड में गार्ड डाउन नहीं करना अपना, क्योंकि फिर तो सब मारेंगे ना, जब आपको जब आप किसी के लिए थ्रेट ही नहीं और कोई आपके लिए थ्रेट नहीं है तो गार्ड डाउन होगा, जब आप थ्रेट हैं एक ग्रोइंग मार्केट के अंदर एक ग्रोइंग सिस्टम में, आप एक आइडियोलॉजिकल आदमी है तो किसी की तो आइडियोलॉजी आपसे हिट हो रही होगी, चैलेंज हो रही होगी, कर लें फिर, आपका गार्ड डाउन कैसे हो सकता, उनका गार्ड डाउन कैसे हो सकता, वो अपॉर्चुनिटी कब तलाश नहीं कर रहे होंगे आपको मारने, आप अपॉर्चुनिटी कब नहीं तलाश कर रहे होंगे अपने डिफेंस की, आप अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर रहे होंगे अगले को हंट डाउन करने की, दिस इज द जंगल ऑफ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस ट्राइंग टू एग्जिस्ट टुगेदर, इफ यू वांट टू बी एन हर्बीवोरस देन स्टिल यू हैव योर गार्ड हैज टू बी ऑन, एंड इफ यू आर अ कार्निवोरस यू हैव टू ईट द मीट, हाउ इन दिस एंटायर सिस्टम ऑफ एक्चुअलाइजेशन, हाउ इन दिस एंटायर सिस्टम ऑफ सक्सेस, इस स्ट्रगल इस जस्तजू इस एहसान और कमाल के जमाल के दर्जे तक पहुंचने के लिए आप मुझे एक बात बताएं, जो रिसोर्सेज और एलिमेंट्स आज उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए, जाया किया है ना, ताजमहल बनाया है ना आपने, इश्कों के मॉन्यूमेंट्स खड़े किए ना आपने, लगे रहे ना फजूल भैंसों के अंदर,
इल्म और दानिश की मिरास को आपने तर्क किया ना, मेहनत और जस्तजू और जिहाद और किताल को तर्क किया ना, भुगत ले आज इन यशा युज़हिबकुम व याती बिखल्किन जदीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है आप नहीं करेंगे, हम नए लोगों को ले आएंगे, वो कायनात तो चलती रहेगी, आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपका फैसला, आप कायनात को अपना रंग नहीं देना चाहते, आपका फैसला, आप अल्लाह से मौजजात नहीं मांगना चाहते, आपका फैसला, नेचुरल और सुपर नेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप कुछ खड़ा करना चाहते हैं, आपका फैसला, आपने अपनी रूहानियत को बूस्ट करना है वहां तक कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपका फैसला, आपने छोड़ना है आप छोड़ दें।